वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड में यात्री परेशान रहते हैं। एक तो गर्मी, दूसरे पानी की कमी। यात्रियों के लिए लगाए गए नलकूपों में पानी आता ही नहीं है और कभी कभार जब आ जाए तो ये पानी गर्म रहता है। ऐसे में यात्रियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उधर रोड पे यात्री कहते हैं वहाँ तो पानी रहता, लेकिन यहाँ दोपहर के बाद में पानी नहीं रहता। यहाँ पे देखा जाए तो पानी वैसे ऊपर तो ठंडा रहता है अधिकारी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं रहता है पैसेंजरों के लिए। पानी आपके सामने ऐसी क्या व्यवस्था है? डबल मोटर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? यात्रा का समय तो बहुत दिक्कत है, जब ठंडा पानी नहीं है तो मेन चीज तो इतने गर्मी में पानी की बहुत आवश्यकता है। कम से कम यहाँ पे कम से कम ठंडा पानी का प्रबंध करवाया जाए। उधर ग्रामीण डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सफाई देते सुने गए और वादा किया कि जल्द ही मिनरल वाटर की व्यवस्था करवाई जाएगी। पानी जो है क्योंकि मशीन के द्वारा ठंडा होता है तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पानी निकल जाता है, तो कम ठंडा पानी आता है, फिर दो चार मिनट के बाद अगर ठंडा करने का उसको टाइम मिल गया स्टोरेज का तो ठंडा हो जाता है। वहीं वाराणसी के कैंट स्टेशन का हाल भी बस स्टैंड की तरह दिखा। यहाँ यात्रियों के लिए स्टेशन के अंदर तो पानी की व्यवस्था दिखी, लेकिन स्टेशन परिसर में एक भी जगह पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। आप कहीं दिख ही नहीं रहा पानी है या नहीं, यहाँ आरओ वाला लगा हुआ है जो पैसा से मिल रहा है पानी, और गरीब आदमी आएगा वो कहाँ से पैसा खरीद के? पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जब पैसा दीजिए तो पानी लीजिए, कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं। बाहर भी होनी चाहिए, देखिए कितनी पब्लिक टहल रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम कोई प्याऊ होना चाहिए, कोई घड़े में ही पानी रख दिया जाए, कुछ नहीं। गर्मी से पानी की किल्लत ने जहां यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने के सरकारी प्रशासन के दावों की पोल खोल कर भी रख दी है। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी।